वो लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर में कुछ चीजें कवर की थी, इसमें हमारे पास हमारे प्रैक्टिकल इश्यूज हैं उसको किस तरह हम स्टैटिस्टिक्स के जरिए डील करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जाम्पल दीजिए कवर की, और जो है किस तरह एक डाटा को जो है वो इसके थ्रू जो है ना वो किस तरह हम मॉडिफाई करके चीज़ों को डाटा को जो है चीज़ों को देखते हैं। फिर उसके बाद जो है ना वो हमें ये आ जाता है कि जब हम अब जो है ना वो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमारे पास जो किसी किस्म की जो है ना वो डाटा को हमने किस तरह जो है ना वो यूटिलाइज करना है। तो इस डाटा को यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास कुछ जो है ना वो तरीकेकार हैं। तो इसमें जो है ना सबसे पहले ये है कि हम लोग जो है ना वो पॉपुलेशन संकलन प्रोसेस की बात अगर हम करते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि देखें सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम जो है ना कोई अगर कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो वो हम जो है ना वो सारे लोगों की कैलकुलेशन करेंगे, या जो है ना कुछ जो है ना वो हम उसमें से जो है ना थोड़ा सा जो है ना वो लोग लोग लोगों को लेके थोड़ा सा मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल दी है कि हम लोग जो है ना वो जब भी जो है ना वो स्टैटिस्टिकल डाटा की बात करते हैं उसको जो है ना एनालाइज करते हैं, उसमें ऑब्वियस बात है कि वो हम हर बंदे की हर चीज़ की जो है ना वो देना हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जो है ना वो सर्वे करना है रजनी खान में कि यहाँ पे गुर्बत की शरह कितनी है, इसके लिए जो है ना वो हर जो है ना घर में जाना और हर जगह से जो है ना उनकी सर्विस का और हर बच्चे से जो है ना सारी चीज़ें पूछना, तो ये थोड़ी सी जो है ना चीज़ पॉसिबल नहीं होती। इसके लिए जो है ना हम इसको जो है एक तरीका जो हम डेली यूज करते हैं उसमें जो हम उसको पॉपुलेशन सैंपल का वो करते हैं कि इसमें जो हम क्या करते हैं कि जो कलेक्शन ऑफ डेटा है प्रोफेशनल यहाँ जैसे लिखा हुआ है कॉन्स्टेंटली फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स डेटा वो इन द प्रोफेशन कम से एवरीडे एक्टिविटी, तो हम जो है ना वो एक तरीके से जो है ना हम एक जो है ना वो पर्टिकुलर जो है ना जगह की जो है ना वो ले लेते हैं कि यहाँ पे रजनी खान का जो फला टाउन है उसके जो फला जो एरिया है वहाँ के जो लोगों की जो एक रहने की वो है, इसी तरह जो है ना वो आपके पास जो है ना वो किसी भी रजनी खान में है या किसी और शहर में है उसमें हमारे पास यही इशू आता है कि हम लोग हर बंदे पर जाके हर बंदे की जो है वो देना वाले मुश्किल होता है। तो इसी वजह से हम जो है पॉपुलेशन सैंपल का जो है एक मेथड यूज करते हैं कि हम जो है एक जो है ना वो पर्टिकुलर जगह पे जाके एक जो है ना वो डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, और उसमें दो चीज़ होती हैं एक टारगेट पॉपुलेशन भी होती है हम स्पेसिफिक ये लोग होंगे, एक बार उतर होता है रैंडम भी पॉपुलेशन मिल जाता है कि बस ये पहले 10 हैं ये जो आप पहले 10 कह रहे हैं इसमें से ले रहे हैं, कभी कभार हम कहते हैं नहीं ये फलां फलां जो जगह पे होके जाकर लेंगे फिर तो उसका हम सैंपल लेंगे। तो ये जो हमारे जितने भी स्टेटिस्टिक्स के जो इदारे हैं फेडरल ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स को भी हमारे पास एक इदारा है जो वो भी जो है ना वर्ल्ड बैंक की तरफ से प्रोजेक्ट आता है या पाकिस्तान में जो है ना वो कोई जो है ना कोई भी रिपोर्ट जनरेट होती है तो वो ये करते हैं उनको जो सर्विस दिए जाते हैं इसी तरह रैंडम जो है ना उनको एरियाज दे दिए जाते हैं कि आप किस एरिया का जो है ना सर्वे करना है ताकि आप लोगों की वहाँ के लोगों की जो एक वे ऑफ लिविंग है और वहाँ के लोगों का क्या क्या उनके पास है क्या क्या नहीं है तो सारी जो है ना वो उस पर जो है ना वो लेते हैं वहाँ से उसको जो है ना कंपाइल किया जाता है। फिर कंपाइल करने के बाद जो है ना एक जो है ना हम किसी जो है ना स्टेज पे पहुंचे किसी एक सर्टन जो है ना वो जिसे कहते हैं कि कंक्लूजन पे या हम एक जो है ना वो स्टेटमेंट जनरेट करते हैं। तो ये जो है ना सारा का सारा आपके पास पॉपुलेशन सैंपल उसका जो है ना पूरा एक प्रोसेस होता है।
तो डिसिप्लिनर सेटिंग प्रोवाइड मेथड फॉर मैनेजिंग एंड सप्लाइंग डेटा फॉर ड्राइंग ओपिनियन बेस्ड ऑन कंटेंट डेटा. तो ये जो आपके पास मैंने अगेन जैसे बताया कि ये बेसिकली जो डिसिप्लिनर स्टैटिस्टिक्स है ये हमारे पास डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए और यानी बिजनेस डेटा को समराइज करने के लिए उसके बाद एक कंक्लूजन जनरेट करने के लिए उसके लिए जो हमारे पास तो एक प्रोसेस है वो जो है ना ये जो है एक तरीके कार है. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो आगे चल के एडवांस लेवल पे हम चीज़ें देखेंगे तो, लेकिन ये एक सिंपल जो वे है इसको इजीली जो हम लोग चीज़ें कर लेते हैं तो हमारे पास ये पॉपुलेशन सिंपल करने का मेथड है. तो इसमें क्या है कि टिपिकली फोकस ऑन वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. तो हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन है वो हम फोकस कर रहे हैं उसमें पहले बताया कि बात बात जो ना पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट को भी जो है वो देख लेते हैं आपकी इंटरेस्ट मतलब जैसे मैंने अगर गुरबा की शराब देखनी है कितने लोग पाकिस्तान में गरीब हैं या कोई और भी डेटा हम लेना चाह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ये आपकी प्रोजेक्ट हमारे पास हाइब्रिड व्हीकल्स का तो उसकी अवेयरनेस देखना चाह रहे हैं कितनी जो है ऑब्वियस बात है उसमें जो हमारा पॉपुलेशन इंटरेस्ट वही लोग होंगे मतलब हम उन्हीं की जो है ना वो कोशिश करेंगे डाटा लेने की जिनको ऑलरेडी वो मतलब अफोर्ड कर सकते हैं. ये नहीं है कि हम जो है हाइब्रिड व्हीकल्स का जो है डाटा लेने के लिए जो है किसी ऐसी इंडस्ट्री में जाए जहाँ लोगों के पास सिर्फ साइकिल या मोटरसाइकिल ज़्यादा नहीं है. तो उस डाटा को किस डाटा को वहाँ से लेंगे कि जहाँ पे ऑलरेडी लोगों के पास गाड़ियाँ होंगी या जो है ना उसको यूज कर रहे होंगे जो अवेयर होंगे मतलब एक इसी तरह अगर हम जो है वो गुर्बत की जो है ना उसका देखना चाह रहे हैं उसमें बात है अमीरों के जो बड़े बड़े घर हैं या बड़े बड़े मोहल्ले हैं वहाँ पे नहीं जाएंगे बल्कि उस जगह पे हम फोकस करेंगे जो जहाँ पे लोग वाकई गरीब हैं. ये थोड़ा सा जो है ना हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है उसमें कि जब हम कलेक्शन कर रहे हैं डाटा की या टैक्स जो भी हमारे पास एक वो है उसमें हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो भी स्पेसिफिक रेलेवेंट है. यूनिवर्सिटी पॉपुलेशन वाइड कंसिस्ट ऑफ ऑल ग्रेड कैप्सूल ऑफ पर्टिकुलर टाइप प्रोड्यूस इन अ स्पेसिफिक पीरियड. तो इसी तरह एक कोई भी स्टडी हम करने जा रहे हैं कि जो है ना वो जेलेटिन कैप्सूल्स की जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो कैप्सूल की जो है ना वो है. तो इसमें जो है ना हमारे पास जी इसमें हम लोग जो है ना वो पर्टिकुलर जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी हम स्टडी करने जा रहे हैं तो उसमें हम फिर ये चीज़ देखते हैं कि हमारे पास कौन सी जो है ना वो स्पेसिफिक पॉपुलेशन है तो उस पॉपुलेशन के हिसाब से जो है ना वो फिर हम वो चीज़ें देखते हैं सारी. तो अब जैसे मैंने पहले बताया ये बताया कि आपके पास एक कोई जो है ना कोई कोई भी हम जो है ना वो केलेटिन जो है ना कैप्सूल है. केलेटिन कैप्सूल बेसिकली जो है ना वो फ्लेवरलेस जो है ना एक फूड इंग्रेडिएंट है और जो है ना कलरलेस जो है ना हमारे पास और जो है ना ये सारी चीज़ें होती है उसमें. तो उसमें जो है ना वो कुछ हम उसमें देखना चाह रहे हैं उसका जो है ना सीखना चाह रहे हैं तो उसकी जो है ना सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं. तो हम मैंने आपको बताया कि जो है ना हमारे पास टारगेट क्या है कि हमने स्पेसिफिक पीरियड के लिए देखना है उसका जो एक जो इसकी जो है ना वो उसकी वजह से जो इफेक्ट्स आ रहे हैं तो वो सारी चीज़ें देखी हैं हमने. तो अनदर इन्वेस्टिगेशन अगर हम बात करते हैं कि हमने देखना ये है कि बीएससी इन इंजीनियरिंग में जो है ना कौन जो है ना लोग ग्रेजुएट हुए हैं लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर कितने लोग हैं कितने जो है ना वो पीसी रजिस्टर्ड हैं कितने नहीं हैं. तो उसमें जो है ना इस सारी की सारी जो है ना कोई स्पेसिफिक वेरिएबल हमारा बन जाता है तो उसमें हम जो है ना वो ले लेते हैं कि मतलब हमने क्या किया कि हमने रहीम खान की जो है ना वो कुछ एरियाज़ को जो है ना जो उसमें देख लें कितने हमारे पास आ रहे हैं तो उसमें हम जो है ना एक जो ना इसी तरह हमने रहीम खान ले लिया जिसमें हमने खानपुर का जो है ना एरिया कुछ कवर कर लिया जो है कुछ कौलपुर का मुल्तान का उसमें हमारे पास एक सर्टन परसेंटेज आ जाएगी इतने परसेंटेज लोग जो है ना वो बी एस सी इंजीनियरिंग कर रहे हैं. मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ना वो जो तादाद है एक रफ एक एस्टिमेट जो है ना हम लोग बना लेते हैं कि इसकी फॉर एग्जांपल यहाँ 7% आए हैं
जो है ना खानपुर में 6 आए हैं और बहावलपुर में चले हैं तो 5.5 हैं। तो इस तरह एरिया एक जो है ना हम कहते हैं 5th से जो है ना 5 से लेके 8% जो है ना वो लोग वुमन इंजीनियरिंग करते हैं। हम एक जो है ना स्पेसिफिक वो एक बना लेते हैं कि इसमें हमारे पास जो हमने जो है ना वो डिफरेंट पॉपुलेशन ले के उनका एक सैंपल लिया, तो उसमें अंदाजा हुआ कि जो है ना वो इतने लोग हैं जो ये चीज़ कर रहे हैं। उसी तरह हमने एक गैलेक्टिक कैप्सूल का जो है ना एक सर्टेन रूम हमने जो है ना वो लेने का इरादा किया, तो उसकी भी जो है ना हमने एक जो है ना वो निकाल ली कि उसकी जो है ना स्पेसिफिक पीरियड में क्या उसके जो है ना वो उसको क्या असर आ रहा है या जो भी हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो ये सारी जो है ना हमारे पास जो है ना इसमें ये जो है ना एक पॉपुलेशन हो सकती है कि हम कहते हैं ये इस पॉपुलेशन का जो है ना हमने देखना है। उसमें ऑब्वियस ही बात है कि हम अगेन जो है ना हमारे लिए मैंने बताया कि पूरी की पूरी जो है ना जिसको हम सेंसिस कहते हैं कि डिजाइन पर अगर और कोई पॉपुलेशन भी है व्हाट इज कॉल्ड अ सेंसिस। ये तो जो है ना जी सेंसिस होती है, सेंसिस के थ्रू क्या होता है कि आप हर हर जो है ना घर में जाएं और उसमें पता करें कि बीएस इंजीनियरिंग आग बढ़ने की है या जो है ना स्पेसिफिक जो गैलेटिन कैप्सूल है ये उन्होंने यूज़ की है। तो ये एक जो है ना सेंसिस होती है जिसको जो है ना हम जो है ना वो हर उसमें जाकर जिसमें जैसे हमने अगर फॉर एग्जाम्पल अगर लोगों की तादाद मालूम करनी है कि कितनी आई है, जो हमारे पास मरदमशुमारी का जो एक वो आता है उस मरदमशुमारी में भी जो है ना हम लोग जो है ना उसमें जो है ना हमारे पास आपको पता चलेगा हमने देखा होगा कि 10 साल या 20 साल बाद जो है ना वो सेंस होती है। उसकी वजह ये होती है कि हमने हर घर में जाके हर बंदी की तादाद मालूम करनी, इसमें जो है ना फिर हम जो है ना वो सैंपल या पॉपुलेशन ही लेते हैं, हम पूरी पूरी लोगों की पूरी की पूरी तादाद जो है ना मैयर करते हैं। उसमें फिर हमारे पास सैंपल वाले नहीं रहते, सैंपल जो है ना बेसिकली आपको एस्टिमेट सा बता देते हैं कि ये जो है ना एस्टिमेट हो सकता है, ये जो है ना इसकी वैल्यूज हो सकती है। लेकिन हमें क्योंकि जब एक अगर स्पेसिफिक कोई वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम सेंसिस पूरी मुल्क अगर हमें चाहिए तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि फिर हमें रिसोर्स ज़्यादा चाहिए। तो फिर ये जो है ना कि कभी कभार ही होती है, इसको आप हर जो है ना वो उसमें सर्वे में नहीं ले जा सकते, क्योंकि आप सर्वे करने जा रहे हैं गुर्बत का या कोई उसमें फिर आप हर बंदे के पास नहीं जा सकते, फिर हमारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कंस्ट्रेंट ऑन मनी टाइम एंड अदर स्केयर रिसोर्सेज विली मेक अ सेंस इंपार्टिकल एंड फिजिबल। सेंसेज जो है ना वो फिजिबल नहीं रहती और जो है ना हम जो है ना उसके लिए जो है ना वो हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाती है कि हम हर सर्वे के लिए या हम जो है ना हर रिपोर्ट के लिए जो है ना वो एक हर बंदे के पास जाएँ, हर जो है ना उसके पास जाके उसके जो है ना वो वीडियो डाटा लें, तो ये जो है ना वो हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो इसलिए जो है ना हम लोग सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन सैंपल इज सिलेक्टेड सब प्रेसर्ड मैनर, हम जो है ना एक पर्टिकुलर जो है ना वो डाटा ले लेते हैं। मतलब ये जैसे अगर आगे देखेंगे टारगेट पॉपुलेशन है तो हमें जो है ना वो डाटा चाहिए कि इसमें इंजीनियर्स कितने हैं, तो हमने इंजीनियर्स वाले से ये सैंपल हमारे पास आ गया। या जो है ना हम इसको जो है ना वो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम भी कह सकते हैं आपके पास पूरा रहीमिया खान है, रहीमिया खान का ये स्पेसिफिक एरिया बासी टाउन है या कोई भी टाउन है, उसमें से आपने सैंपल ले लिया कि इसमें से कितने आपके इंजीनियर्स हैं, या आप कोई और भी जो है ना वो लेना चाह रहे हैं फीमेल कितने हैं मेल्स कितने हैं उसकी जो है ना रेशो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो भी आप इसके लिए कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो उसमें आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकें यूजली। और इस तरह जैसे मैंने बताया कि आपको पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, बाद एक आपके पास रैंडम वो भी होती है कि आप जो है ना रैंडमली जो है ना आप इस स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट कर लें, या आप कहें जी मैं इस फला बंद हर लाइन में हर उसमें इसमें बंदे सेलेक्ट करूँगा, ये बंदा सेलेक्ट कर लिया, एक बंदा यहाँ सेलेक्ट कर लिया, यहाँ एक बंदा, इनसे जो है ना डाटा कलेक्ट कर लिया। तो ये भी आपका एक तरीका का है, दोनों जो है ना वो हर उसके लिए जो है ना वो फील्ड्स के लिए होते हैं, वहाँ में देखना होता है कि आप डाटा किस तरह कलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बेसिकली पॉपुलेशन फिर सैंपल ये जो है उसमें लाए करती हैं। तो हम मैंने बताया कि हम सेंसेस में जो है ना वो इतना जो है ना वो डीपली नहीं जा सकते, तो इस वजह से फिर हम इसको जो है यूटिलाइज करते हैं, इस चीज़ को यूज़ करते हैं सैंपल एंड पॉपुलेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ये हमारा बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो है ना वो है, जैसे अगर ये आप प्रोजेक्ट जैसे आप बनाएंगे
उस प्रोजेक्ट में भी ये चीज़ें स्पेसिफिक हो सकती हैं कि आपने जना बजाय बाहर यूनिवर्सिटी के हर बच्चे के पास जाएं डेटा लेने के लिए, आप ये कर सकते हैं कि आप जना आप ये स्पेसिफिक कर लेंगे हमारा जो जो पॉपुलेशन टारगेट था, हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था या हमारे पास जो इंजीनियरिंग के जो बच्चे थे वो थे, और उसमें से फिर हम जो है ना फर्दर ये कह सकते हैं कि उसमें जो हमने सैंपल लिया वो हमने बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग का या बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चों से लिया। इस तरह मतलब हम लोग थोड़ा सा जो है ना वो कर सकते हैं समझ लें कि हमारे लिए एक पूरी जो एक ओवरऑल अगर हम यूनिवर्सिटी का एक पूरा वो लें तो ऑब्वियस बात है 10,000 बच्चे, फिर उनका हर बच्चे का अपना जो है ना उसमें फिर मेल फीमेल उसे उनको सेग्रीगेट करना, फिर हॉस्टलाइट और जो है ना जो डे स्कॉलर्स हैं उनको सेग्रीगेट, तो वो एक बड़ा एक लंबा हमारे लिए वो हो जाती है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होता है। इस वजह से जो ना यूली सर्वे करके हमें अगर आप जो है ना एम एस मास्टर्स मैनेजमेंट में या किसी उसमें जाते हैं तो वहाँ भी अक्सर जो प्रोजेक्ट होते हैं वो इसी तरह हम टारगेटेड जो है ना वो पॉपुलेशन के साथ 100-200 सर्वे कर लेते हैं और उससे जो ना एक चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं या अपना जो स्पेसिफिक जो हमारी डोमेन है चले जाते हैं और हम एक जो है ना वो बात करें। इसी तरह डॉक्टर्स में अगर आप चले जाएँ हॉस्पिटल्स में चले जाएँ तो हॉस्पिटल्स में भी आपको इसी तरह ही जो है ना वो मिलता है, बजाय इसके वो हर एक पेशेंट की जो है ना वो निकालें, वो क्या करते हैं कि मैं जो है ना इस आने वाले इस दिनों के जो लोग हैं या पर्टिकुलर दिस डिपार्टमेंट के लोग उनको क्या जो है ना वो हो रहा है और जो है ना क्या सिम्टम्स आ रहे हैं और किस तरह जो है ना वो डील किया जा रहा है, स्पेसिफिकली जो है ना हम लोग सर्वे ले लेते हैं या उनका जो कोई ऑपरेशन हो उसके बाद भी क्या जो है ना फीडबैक है, तो ये सारी की सारी जो है ना वो आपके पास सैंपल एंड पॉपुलेशन का जो है ना आपका टॉपिक है। तो थर्टी बाइट ऑब्टेन अ सैंपल ऑफ बेयरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन डन एज अ बेसिस ऑफ यूनिवर्सिटी वेदर बेयरिंग आर कंफर्मिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन और वी माइट सेट अप फॉर लास्ट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट टू ऑब्टेन फीडबैक अबाउट द क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग करिकुलम। कोई भी आपने जैसे हम इंजीनियरिंग करिकुला की जो ना अगर हम बात करते हैं उसका जो ना फीडबैक लेने जा रहे हैं उसके लिए फिर हम क्या कर रहे हैं कि हम जो ना वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को जो ना वो देखते हैं कि हमारी कहाँ कहाँ जो ना वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो ना वो लाइक करते हैं किस जगह मौजूद हैं उसका जो ना वो हम उससे जो है डेटा लेके उनको फीडबैक ले लेते हैं। तो ये जो है ना एक जस्ट समझ लें कि हमारे पास पॉपुलेशन एंड देन सैंपल उसका लेना और ये सारी चीज़ें बड़ा एक वाइड फील्ड है और इसमें थोड़ा टाइम इसलिए भी लगा रहा हूँ कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, बहुत बेसिक सी चीज़ है और जो है ना आपको बहुत ज़्यादा समझने की हेल्पफुल होती है। आपकी पूरी पूरी मास्टर्स या पीएचडी के जो थीसिस होते हैं वो इसी पे जो है ना वो बेस कर रहे होते हैं कि आपने पॉपुलेशन कौन सा लिया सैंपल क्या लिया उसने। अगर हम जो है ना वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक थीसिस था जो मैंने नज़र से गुजरा जॉब सर्टिफिकेशन था कि आपका जो बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल है बहावलपुर के अंदर उसमें जॉब सर्टिफिकेशन और डॉक्टर्स की जो है ना वो बात की गई तो उन्होंने क्या किया कि उस पर भी जो है ना वो इसी तरह जो है ना वो डॉक्टर्स से 100-200 डॉक्टर्स से जो है ना वो डाटा लिया गया तो किस बेसिस पे जो है ना वो ज़्यादा एक जो है ना वो होते हैं मतलब आपके जो है ना वो उनकी क्या सर्टिफिकेशन होती किस वजह से वो जो है ना वो इस जॉब में आए हैं और उस जॉब में क्या वो देखना चाहते हैं और किस तरह वो अपना फ्यूचर को जो है ना सिक्योर करना चाहते हैं तो डॉक्टर्स की क्या रिक्वायरमेंट है उस पर पूरा एक सर्वे हुआ 100-200 जो है ना वो सैंपल दिए गए पूरे रिसर्च पेपर भी हैं फिर थीसिस भी हैं वगैरह। तो इसी तरह होता है ना कि मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स की जो ये फील्ड हैं ये बड़ी एक इसी पे जो है ना वो रिलाय कर रही होती हैं उस पर जो है उन्होंने बताया कि भाई ये जो फैक्टर हैं ये इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर हैं इस वजह से जो है ना वो डॉक्टर जो है वो आपके हॉस्पिटल में रहते हैं इस वजह से वो छोड़ के चले जाते हैं क्या क्या फैसिलिटीज उनको चाहिए क्या क्या चीज़ चाहिए। तो ये सारा का सारा सर्वे एक पूरी जो है ना रिपोर्ट बनाता है कि भाई हमें ये फैक्टर्स जो है ना वो चाहिए। तो ये आपका जो है ना वो एक इसी तरह जैसे इसमें अगर थोड़ा सा हम और डायग्राम से वो देखें तो उसमें अगेन पॉपुलेशन है उसका जो है एक सर्टन जो है ना एरिया वो आपके पास सैंपल है। इस तरह आप कोई भी जो है ना वो नॉर्मल कर्व की अगर हम बात करते हैं आपने एक पूरी जो है ये आपकी जो है ना समझने के लिए वो लोग हैं जिन्होंने जो है ना आपकी क्लास में ग्रेड्स लिए हैं ये हमारे पास यहाँ सी से सी
प्लस और बी नेगेटिव, बी प्लस और फिर बी और बी प्लस, यहाँ पे आपके पास एवरेज ग्रेड है वो आ गया बी प्लस, ये बी जो है इस तरह आपके पास ए नेगेटिव ए और ए प्लस जो है ना ग्रेड्स आ गए। ठीक है, तो ये आपके पास एक जो है ना पूरी क्लास की जो है ना वो पॉपुलेशन की जो है ना ग्रेड्स आ गए। मैं कहता हूँ कि मुझे जो है ना सिर्फ जो है ना कि 10 बच्चों के वो चाहिए, तो मैं कोई स्पेसिफिक कर लेता हूँ जो हमारे मतलब एवरेज से थोड़े से नीचे 10 बच्चे हैं उनका जो है ना मुझे सैंपल चाहिए, मैं उनका एक सैंपल ले लेता हूँ, मुझे ये जो है उनके ग्रेड्स मिले हैं। तो कोई भी एक वो हो सकती है कि जो है ना वो हो सकती है, या आप कहते हैं नहीं मुझे जो है ना वो बच्चे चाहिए जो सरगोधा से हैं उनके, क्या जो है ना वो जो है ना उनके ग्रेड्स हैं, या जो है ना मतलब जो फेस कलर्स हैं उनके क्या ग्रेड्स हैं, तो सर्टन कोई भी जो है ना आपके पास हो सकती है कि आप कहेंगे मुझे ये चीज़ चाहिए। इसी तरह आपके पास पॉपुलेशन, फिर टारगेट पॉपुलेशन, फिर उसके बाद सैंपल है, ये भी हो सकता है कि पॉपुलेशन से डायरेक्ट आप सैंपल ले लें, ये भी हो सकता है कि आप पॉपुलेशन टारगेट पॉपुलेशन सेलेक्ट कर लें फिर उसके बाद सैंपल लें। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी रिसर्च पे बेस पे, आपकी क्या रिसर्च है, आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं। तो ये जो है ना एक ये समझ लें कि एक आर्ट है, इस आर्ट को जो है ना वो हम लोग बेसिकली जो है ना वो करते हैं यूटिलाइज करते हैं स्टैटिस्टिक्स डाटा के थ्रू और इस मॉडल के थ्रू जो है ना हम एनालाइज करते हैं, फिर उसको जो है ना उसके फर्दर जो है ना कि भाई हम सैंपल लेने के बाद क्या करते हैं वो फिर आगे की चीज़ें हैं सारी, तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इसमें वेरिएबल्स जो है ना वो होते हैं मल्टी वेरिएबल्स और इस तरह डिफरेंट वेरिएबल्स को किस तरह सेलेक्ट करते हैं, तो वो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए जल्दी कर रहा हूँ।